गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको एक्सेल में एक और एडवांस ट्रिक लेके आया हूँ। इस ट्रिक के माध्यम से आप एक ही सेल में, जैसे आपके सामने ये सेल बनी हुई है, एक ही सेल में आप जो है अलग अलग फंक्शन जो है वो आप सेट कर सकते हो, और इन अलग अलग फंक्शनों को आप जो है एक ही डाटा के ऊपर अलग अलग तरीके से आप इसको यूज कर सकते हो। तो जैसे मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूँ, जैसे मैंने इस लिस्ट में सबसे बड़ा नंबर फाइंड करना है तो मैं क्या करूंगा, मैक्सिमम नंबर के ऊपर क्लिक करूंगा तो इस लिस्ट में जो सबसे हाईएस्ट नंबर है वो इसने आपके सामने डिस्प्ले कर दिया। उसी तरह अगर मैं इस लिस्ट का अगर सम पे ऊपर क्लिक करूंगा तो इस लिस्ट में जो भी नंबर उनका उसने सभी का जमा करके आपके सामने बता दिया। तो इस फार्मूले फंक्शन को हम एडवांस फार्मूला कैलकुलेटर भी बोल सकते हैं, और इसका यूज जो है हम कैसे करते हैं और ये लिस्ट जो कैसे बनाई जाती है, तो आज के इस वीडियो में हम ये सीखेंगे। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखिए ताकि आप ये फंक्शन जो वो सही ढंग से सीख लें। तो सबसे पहले आपने तो एक शीट ली, कोई नई शीट ली, जैसे कि मैंने ये शीट में डाटा डाला हुआ है। अब इस शीट में मैं चाहता हूँ कि जो लिस्ट जो हमने यहाँ पे जो लिस्ट मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो लिस्ट है वो हमने इस उस नई शीट में कैसे सेट करनी है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि एक फार्मूला है उसका नाम है आपका सब टोटल। सब टोटल फंक्शन जो है वो एक ऐसा फंक्शन है जिसके माध्यम से आपको ये सभी फंक्शनों के नाम और इनको कैलकुलेशन करने बताता है। अब इसमें इसने क्या किया कि हर एक फंक्शन का इसने नाम बता दिया, साथ में हर एक फंक्शन के साथ जो उसका क्रम बाय क्रम नंबर इसने आपको बता रहा है। जैसे कि एवरेज का 1 है, काउंट का 2 है, कॉन्टा का 3 है, मैक्स का 4 है, मीन का 5 है। अब ये लिस्ट जो हम कैसे बनाएंगे तो वो आप देखिए बिल्कुल ध्यान से। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा एवरेज, ओके, एवरेज, ठीक है। एवरेज के बाद उसका एवरेज का आपने जो नंबर था वो आपने डालना है, उसी के बाद आपने लिखना है काउंट, ओके। तो आपने काउंट का नंबर डालना है। इस तरह से जो जो आपने लिस्ट तैयार करनी है उसके आपने यहाँ पे नाम और साथ में उसके नंबर आपने डालते चले। तो मैंने जो है यहाँ पे सभी के फंक्शन नेम और साथ में उनके जो है नंबर मैंने डाल दिए। अब मुझे ये जो लिस्ट है वो यहाँ पे चाहिए कि जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो लिस्ट जो वो डिस्प्ले हो जाए, तो वो हमने कैसे करना है। तो अब इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो आप ध्यान से देखिए। सबसे पहले जहाँ पे लिस्ट है वहां पे आपने क्लिक किया, ओके। क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है, डाटा मेन्यू में जाना है, उसके बाद यहाँ पे डाटा वैलिडेशन और उसके ऊपर क्लिक किया और यहाँ पे आपने ले लिया लिस्ट, ओके। और इसको क्या किया आपने, यहाँ पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद इस लिस्ट को आपने क्या किया, आपने सिलेक्ट किया और इसको क्या कर दिया हमने, ओके कर दिया। ओके करने के बाद आप देखोगे कि ये लिस्ट जो अभी यहाँ पे आपके सामने डिस्प्ले हो चुकी है। अब आगे जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, क्लिक करने के बाद यहाँ पे फार्मूला कैलकुलेट होना चाहिए। तो अब आगे सेकेंड पार्ट जो है, यहाँ पे कहीं पे भी खाली जगह पे आपने क्या करना है, बी लुकअप फार्मूला यूज करना है। तो यहाँ पे आपने लिखा बी लुकअप, ओके। अब लिस्ट जो हमारी कहाँ पे है, यहाँ पे है A12 में। ऊपर आपने कॉलम नेम और नीचे जो है A12 में हमारी लिस्ट है, तो ये 12 लिया, उसके बाद कॉमा टेबल एरे। हमें क्या चाहिए इस लिस्ट में, ये पूरा का पूरा टेबल चाहिए, तो हमने क्या किया इसको सिलेक्ट किया और कॉमा कर दिया, ठीक है। D3 से E9 तक ये आपने देख लेना है ध्यान से। अब उसके बाद कॉलम इंडेक्स, देखिए फार्मूला आपका तभी कैलकुलेट होगा जब ये नंबर यहाँ पे आएंगे। तो अब इसके लिए जो है क्या करना पड़ेगा आपको, कॉलम इंडेक्स जो वो आपने यहाँ पे डालना है। जैसे कि हमारा कॉलम इंडेक्स किसमें है, डी के ऊपर फर्स्ट कॉलम और ई के ऊपर सेकंड कॉलम, और एंटर और क्लोज कर दिया और एंटर कर दिया। अब देखिए कि कॉलम इंडेक्स के ऊपर आपके सामने नाउ इन दिस टाइम यहाँ पे मैक्स है, तो मैक्स का इंडेक्स बता दिया इसने 4। यहाँ पे आपने चेक करना है कि इसका इंडेक्स क्या है, 4 ही है। तो यहाँ पे अगर मैं कोई भी फंक्शन लेता हूँ तो यहाँ पे उसका इंडेक्स जो है वो शो हो जाता है। अब आगे जो है आप लोग ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पे कैलकुलेशन कैसे होगी। अब हमने क्या करना है कि इस सेल में जो है ये जो बी लुकअप वाला जो फार्मूला है वो यहाँ पे सेट करना है। तो बी लुकअप वाला फार्मूला जो है वो इस सेल में कैसे सेट करना है, तो इसके लिए आगे का जो फार्मूला रहेगा वो हम यूज करेंगे सब टोटल। जी हाँ, ध्यान से देखिएगा, हमने यहाँ पे क्या क्लिक किया, सब टोटल, ओके। अब आपकी जो बी लुकअप वाला फार्मूला है जिसमें हमने ये पूरा का पूरा लिस्ट और ये जो नंबर है इस फंक्शन के वो डाले हैं, वो किसमें है,
वो है आपके ए सॉरी E12। तो यहाँ पे आपने दे दिया E12 और उसके बाद क्वेश्चन मार्क सॉरी कॉमा, कॉमा के बाद जो है आपने क्या करना है कि ये पूरी की पूरी लिस्ट जो है वो आपने क्या करना है सिलेक्ट करनी है, क्योंकि हमें जो है फंक्शन जो है ये सभी फंक्शन जो है इस लिस्ट के ऊपर अप्लाई करने हैं। तो यहाँ पे आपने क्या कर दिया इसको फिर क्लोज कर दिया और एंटर कर दिया। तो जी हाँ, आपका फार्मूला जो है वो कैलकुलेट हो चुका है और आपका एडवांस फंक्शन कैलकुलेटर जो वो रेडी है। अब यहाँ से मैं कोई भी क्लिक करता हूँ वही जो है फंक्शन यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। जैसे मैं सम के ऊपर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे इसने सम करके इसको कैलकुलेट भी कर दिया और साथ में जो है सम का जो है नंबर है वो भी इसने हमें बता दिया। इसी उसी तरह जो है मैं यहाँ पे अगर मिनिमम नंबर करता हूँ तो इसमें जो सबसे लोएस्ट नंबर है सीट में वो भी इसने डिस्प्ले कर दिया। आप चाहते हैं कि ये जो वाली सीट है यहाँ से जो है हाइड होनी चाहिए, तो आपने क्या किया इसको सिलेक्ट किया, होम टैब पे गए, होम टैब के जाने के बाद आपने यहाँ पे क्या कर दिया इसको इसका कलर जो है जो भी आपने सेट करना है वो कर दिया और इसको थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाने के लिए इसको थोड़ा सा बोल्ड कर दिया और इसका जो है आपने कलर चेंज कर दिया। अब देखिए कि जैसे ही आप कोई भी फंक्शन ले रहे हो तो वही जो है फार्मूला जो है यहाँ पे अप्लाई होके आपके सामने आ रहा है। तो जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में हमें बताइए, और इस तरह की वीडियो मैं और भी आपके लिए लेकर आ रहा हूँ, तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऊपर क्लिक करें। तो आपका दिन जो है शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत।